करने जा रहे हैं और कह रहे हैं सारे गाएंगे। अरे प्रभु, जिसके आदेश से लोगों को मुक्ति मिल जाती, आज वो भक्ति कुछ नहीं कर पाई। हरि नाम संकीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद आगे चलते हैं, पुनः प्रयास करेंगे कि भक्ति के दुखों का निदान कैसे। एक दरवाजे पे आपको भिक्षा नहीं मिली ना, तो निराश मत होना, अभी बहुत दरवाजे हैं, कोई ना कोई तो दया कर ही। हमारी सन्यास की परंपरा है महाराज, 14 वर्ष का निरंतर उपवास रहा, फिर उपवास तो अभी भी रहता ही है। साल में 5-10-15 मैक्सिमम 30 दिन भोजन हो तो ठीक, नहीं बाकी उपवास ही रहता है। और मेरे चेले से कहो भैया गला खराब हो रहा है आपका, तो बोलते हैं गुरु जी तकलीफ है। मेरे को क्यों नहीं, मैं तो भोजन भी नहीं करता भाई, तुम लोग तो 3 बार बादाम और रोटी खाते हो। फिर कहते गुरु जी आपकी दुकान खाली नहीं है ना, आप देखिए सुबह 9 बजे से आपकी सेवा में, अभी यहाँ से जाएंगे तो 2 बजे तक सेवा चलती है, 8 बजे गए तो फिर और लोग आते हैं गुरु जी। अच्छा संसारी उसे अपने आप पढ़ा लेते हो, बोले अपने आप। अगर आप बाजार में जाते हो, सुखी और दुखी चिंता मुक्त होने का एक साधारण सैंपल दे रहा हूं, आप बाजार में जाते हो, साग सब्जी लेते हो, उसमें कोई दागी है तो क्या करते हो? आकाली ना करो ना, हमारे नतीजे है ना, बीजा बद्दा पढ़ो ना, खराब करी ना के जो ये नतीजे में पैसा जो ये ना यार, पैसा ले ना पर सारा वस्तु आप जो एम कहो ना तुम। એવી રીતે સંસારિક જીવનમાં જે દુઃખની વાતો એ ભૂલી જવાય ને યાર, કેમ મગજમાં નાખી ફરો, માદો તો થવાનું જ છે ને તમને। જૈસે ખરાબ ફલ નિકાલ કે બહાર રખ દેતે હો, અચ્છે ફલ ટોકરી મે લેતે હો, એસે બુરી બાતે ભૂલના સીખ જાઓ। ઓર હમ સમજાયેંગે, સ્વામીજી આપકો નહીં પતા હે, બડી વેદના હે, बेटा विमुख हो गया है, बेटी विमुख हो गई है, पत्नी हमारी सुनती नहीं है, व्यापार में बड़ा घाटा हो रहा है, आपको क्या पता स्वामी जी, आपका तो ऐसा है मेहरारू ना लई का चला चली द्वारिका, आपके आगे पीछे थोड़ी कोई है। अब उसे कौन समझाए कि भाई हमारा संसार बहुत बड़ा है, तेरा उसके आगे कोने में भी नहीं लगता, लेकिन अंतर है, तेरा संसार तू चलाना चाहता है और मैं प्रभु को अर्पित कर देता हूं, ये तू भी सीख ले, भाव पागल हो जाएगा। भिक्षा का समय था तो हम लोगों को भिक्षा करनी होती थी, खंडेलवाल जी एक संन्यास की प्रक्रिया, कुछ समय दिगंबर रहना पड़ता है, कुछ समय करपात्री रहना पड़ता है, कुछ समय आहार छोड़ना पड़ता है, और खैर हम तो 10 महाविद्या के साधक है तो यहाँ तो और जटिल प्रक्रिया है, छिन्न मस्ता मातंगी भैरवी बगला सारी। तो भिक्षा का नियम था, पहले आपके द्वार पे या जिस गांव में जाना, तो भिक्षा का आदत पड़ गया है और ये कभी छूटेगा ही नहीं। मांगने खाने वाले कभी चुप रहते क्या? आदत तो जानी नहीं है साहब। गुरुकुल में रहे तो भिक्षा मांगी, गुरु जी के सानिध्य में रह के तो भीख मांग के ही खाना था, मांग के लाओ बनाओ खिलाओ और खुद भूखे सो जाओ, और नहीं बनाओ तो लक्कड़ मारते थे, गुरुकुल की परंपरा थी। अब पहले द्वार पर जाना तो कैसे भीख मांगना, ओ भाई थोड़ा फल देना, ऐसे थोड़ी देता है कोई साधु को, संतों का काम क्या है भगत के घर जाना, तो करना क्या ये तो खबर होए ना, नहीं बाबा अबे ढोकला खाए और पापड़ा खाए और बाद में वया जाए। द्वार पर जाते कहना पड़ता था 9 बार गायत्री जप करना मन से, किस भक्त का कल्याण हो, और कहना होता था
शुभ मंगलम भवत भिक्षाम देहि। ऐसे एक द्वार पे तीन बार बोलना पड़ता था और जब तीनों में ना मिले तो दिशा छोड़ देनी पड़ती थी। पूर्व की दिशा गए, उसमें ना मिले तो दूसरे में जाओ, तीसरे में जाओ, चौथे में जाओ। खैर, अपना तो माई की ऐसी कृपा बरसी मेरे में, एक ही घर में हमेशा काम होता रहा, दूसरे के घर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तीन भी नहीं देखे कभी। गुरुकुल में रहे तो भिक्षा मांगी। अब उसके बाद में एजुकेशनल परीक्षाएं तो दी, अब अध्यात्म की परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षाएं चल रही है ना साहब, ईश्वर परीक्षा ही लेगा ना। अब जब कुछ घटता है तो हवन करके अपने माता जी से मांगते हैं, परमात्मा से मांगते हैं। वास्तव में अगर कोई दीन बनकर परमात्मा से भिक्षा मांगता रहे तो उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। जगत भिखारी है, कुछ दे नहीं सकता। मांगना तो परमात्मा से मांगना, वो कभी तुम्हें भूखा नहीं। आज के समय देखिए, यहां पर श्रीमद् भागवत में देवऋषि नारद चल पड़े हैं हरि नाम स्मरण करते हुए। कोई दूसरा मार्ग ढूंढिए जिससे भक्ति का दुख का निदान हो। हर तेरी लीला, हाँ तेरी लीला है अपरम पार की लीला तेरी। ओ दाता तू जगतारण।
इंतजाम हो जाए, सीरा दे सीरा।
कल्याण के लिए जा रहे हैं, सनकादि ऋषियों से संपर्क हुआ। सूर्य के तेज से भी ज्यादा तेजस्वी ललाट चमक रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता हो, ऐसे संत की साधना विद्वता का बोझ अपनी ओर खींच रहा है।